आप देख रहे हैं एसटी न्यूज़, हर जगह हर खबर, हम आवाम की आवाज़। आइए जानते हैं हमारे नुमाइंदे की इस रिपोर्ट में। सर, जाते जाते कोई मैसेज देना चाहोगे? वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। दास श्री फतेहगढ़ साहब तो संगता नाल जिते रह रहे, वाहेगुरु जी का बहुत बहुत धन्यवाद है। जो कि श्री गुरु नानक देव जी महाराज के पवित्र स्थान करतारपुर साहब के दर्शन करने मिले हैं, बहुत धन्यवाद है सरकार का जिन्होंने ये दर्शन देने वास्ते संगता लांघा खोले है, बहुत धन्यवाद है। नाल ही मैसेज है सरकार वाले, बहुत धन्यवाद सरकार का कि नौजवानों भी इतने आने की आज्ञा वास्ते, भारत सरकार वाले भी है कि जो नौजवान नहीं आ रहे उन्होंने बेनती है कि इतने आके अपना दर्शन दिहाड़े करो। सरकार से यही गुजारिश है, बहुत बहुत धन्यवाद है सरकार का। वाहेगुरू जी का खालसा, वाहेगुरू। मैं मान सिंह और खालसा हुए फतेह। पंजाब तो इतने आके नगर कीर्तन देखना एक अलग ही एक चीज़ सी, जो कि असी करतारपुर पहला भी आए सी, हूँ अभी नगर कीर्तन के नाल शामिल होकर जीरो लाइन से जाके बहुत ही चंगा महसूस होया, बहुत इस चीज़ का माण है। फतेह, मेरा नाम जी जगदीप सिंह है जी। इत्थे आके सानू बहुत खुशी हुई है, एक करतारपुर जगह है जी। जदों साढ़े बाबा जी गुरु नानक देव जी उदासियां कट के आए सी ना लास्ट, इत्थे ही उन्होंने 17 साल का समा बताया सी, इत्थे उन्होंने खेती की सी आके, ते वंड नाम जपो वंड के छको, इत्थों ही उन्हें गुरु दी ये दात बख्शी थी। सानू बहुत ही फख्र है, बहुत फख्र महसूस कर रहे इत्थे आ गए सी, बहुत ही ज़्यादा। पाकिस्तान सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद है इमरान खान जी का, जिन्होंने इन्ना सोहना ये स्वरूप बनाया है गुरद्वारा साहब, बस असं कुछ बयान नहीं कर सकते। पाकिस्तान सरकार का बहुत 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 ही धन्यवाद करते हैं। हाँ जी, इतों की शिरोमणि गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वाले वालों जी, सानू इन्ना प्यार दिता है, इन्ने साफ सफाई, इन्ने वधिया कमरे, फलैसा वगैरह, लंगर की कोई घाट नहीं जी। अच्छा जी, मतलब जी बहुत ही सुकून मिले। अच्छा अच्छा जी, और अपना पुलिस प्रशासन का असं बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जे सा जो साढ़े नाल आ तो 10 दिन तो ही साढ़े नाल, मतलब इन्ना साड़ी सिक्योरिटी है भी, इन्ने साढ़े यात्री नहीं तो जिन्ने साढ़े को सिक्योरिटी है। देखो असी कल दोपहर तो बाद इतने आए हुए हैं श्री करतारपुर साहब दर्शन दीदार करने के लिए। जत्था जिहड़ा ये खालसा पंथ दा साजना दिवस मनाउण दे लई आया सी, श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी का 400 साल प्रकाश पुरब मनाउण दे लई आया सी। एक विलक्षण गल जिहड़ी हुई है, एक निरंतरी गल यह हुई है कि श्री कल शाम को श्री करतारपुर साहब दरबार साहब तो बहुत अलौकिक नगर कीर्तन के रूप के असीं जिहड़ा जीरो लाइन जिहड़ी भारत की है उहदे तक गए हैं, उत्थे जाके अरदास की है खालसा पंथ की चढ़ती कला के लिए, तो श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी ने प्रकाश पुरब के लिए बधाइया दी। एक होर जी गल है सू दोनों पासों रड़कती है जी, विशेष करके पाकिस्तान की सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों आला इंतजाम किए गए हैं, सिक्योरिटी के वाले ने इंतजाम किए हैं, सरकार के वालों बड़ा सहयोग मिले है, तो इमरान साहब ने बड़ा वड्डा फैसला लेंदिया जिहड़ा कि करतारपुर साहब का लांघा बनाया, तो कॉरीडोर जिहड़ा है कि दरबार साहब बनाया, थोड़ा रुपये खर्च के यहाँ आके पाकिस्तान आके गुरुद्वारा दरबार करतारपुर साहब यहाँ आके आप कैसे महसूस करते हो और भारत सरकार से आप क्या विनती करना चाहते हो? देखो जी, अभी अपने घर हैं, ये गुरु नानक देव महाराज जी का वो दर है, साड़ी सिखा का पहला गुरुद्वारा है, पहली धर्मशाली से स्थापित हुई है सतगुरु जी, उस तो बाद एक केंद्रीय स्थान से साड़ा जिवें इंद्रजीत वीर जी उन्होंने सानू दस्सिया कि हुण है भावें कि आप दरबार साहब में या पंच तख्त साहिबां नूं अपना केंद्र स्थान मानते हैं, पहले समय के सिखां दा पहला गुरद्वारा सी, ते असीं धन्नवाद ही करते हैं इत्थों दे प्रबंधकां दा, इत्थों दी सरकार दा जिन्हां ने सानूं मौका दिता है कि इत्थे आ के गुरधाम दे दर्शन कर सके। असीं इत्थे फस गए, दूरबीन दे राह वेखदे सां पहिलां, मैं इत्थों नेड़े तों ही हाँ, नाल गुरदासपुर दा रहिण वाला, ते डेरा बाबा नानक मैं पढ़दा रहा, उत्थों दूरबीन दे नाल वेखीदा सी, दर्शन करी दे। अब आप पहली बार यहाँ आए हो तो आपकी फीलिंग क्या है? आया मैं दूसरी बार हाँ पाकिस्तान के गुरधामा के, पर करतारपुर पिछली बार नहीं सी आ पाया, इतने पहली बार आया और बड़ा आनंद आया, बड़ा मतलब बड़ी खुशी हो रही है कि इस स्थान के दर्शन भी कर सकता रहे हैं सारे। थैंक यू।
खालसा। सबसे पहले बोलूँगी सबको वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। करतारपुर आके ऐसे लग रहा कि मैं बाबा नानक के घर यानी अपने खुद के घर आई हूँ। और इससे जब इंसान अपने खुद के घर होता है तो उससे बेटर आपको क्या फील हो सकता है। बिल्कुल मुझे यहाँ पे बिल्कुल कुछ अजनबी सा नज़र नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं, ऐसे लगता सब अपने ही हैं। और मैडम यहाँ के गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, यहाँ के लंगर प्रसाद, यहाँ के रिहाइश, यहाँ के सिक्योरिटी मामलात, किसी जगह पे दुश्वारी तो आपको नहीं पेश आई? सर कुछ भी नहीं, बहुत अच्छा लगा। यहाँ के जो आप हॉल देखेंगे जहाँ पे हमें रुकाया गया, ठहराया गया, वहाँ पे आप देखोगे हॉल में एक साथ 10-12 लाइक यू नो लगे हुए सोने के बिस्तर जो कहते हैं, इतने अच्छे से मतलब एवरीथिंग, मतलब जो इंसान को लगता है कि अरे मैंने ये चीज़ कैरी नहीं की, मैंने ब्लैंकेट नहीं लिया, वो नहीं लिया, हर चीज़ हमें बहुत अच्छे से मिली है। किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं हुई, अब तक नहीं हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। मैडम लंगर प्रसाद में तो कोई कमी नहीं आई? नहीं, गुरु के लंगर में कभी वैसे भी कमी नहीं आती। थैंक यू मैडम।